शास्त्र सारे पढ़ा दे रहे हैं सब कह रहे। तो मैं ये कह रहा हूं दसवीं फैल शिक्षा मंत्री सरपंच ये दसवीं पास, अरे तो सारे पढ़ा दे रहे हैं सब कह रहे। तो मैं ये कह रहा हूं दसवीं फैल शिक्षा मंत्री सरपंच ये दसवीं पास, अरे जब एक बात बताओ शिक्षा मंत्री दसवीं फैल बढ़ सके है सरपंच दसवीं पास की क्या जरूरत है उसने मास्टर रेंडी है मुसल। इसका लॉजिक ये है, ये जो मुसल है आ किया तो मारा आंख दे दो अरना फिर ये मुसल ले लो भाई यो ठोके गिर के अंत है। इसका लॉजिक है यो खिलाड़ी आ कोटा खत्म करा था ना आपको पता हुआ तो ये छोटा ही लेके आता भाई साहब वो कोटा वापस ध्यान होगा ना कुछ ये मैं इशार तो जब आ नहीं पाया था तभी है अन्याय के खिलाफ पर्चा है दिखा दो रहे हैं सारे हथियार आओगे मतलब जेड़ी भी आओगी तलवार भी आओगी सब कुछ आओगे भाई सब लोग यो रहा फरसा या बामणा की जमीन कब्जा कर रखी सरकार ने उसने छुटवाओगे इशार में भी दोगे बामणे उनने कह दो या बीजेपी जमीन दाब रही है सरकार है। बता दियो उनने 22 तारीख ने न्योता है सारा का उससे जमीन पे परशुराम जयंती मनेंगे उससे जमीन पे परशुराम का मंदिर बनेगा। पत्रकार साथियों का इशारा लो आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए साथियों। आज का जो मुद्दा है मुख्य रूप से वो है बेरोजगारी को लेकर और आज इसार में जो ये साथी आ रहे हैं ये सारे हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं कोई सीईटी का कैंडिडेट होगा सब बेरोजगार। हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार हैं 25 लाख पूरे हरियाणा पूरे देश में हरियाणा का नंबर वन नाम है किस चीज में बेरोजगारी। अब मैं थोड़ा आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ज्यादा टाइम ना लूं। हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगारों में से इन्होंने नौकरी नहीं दी किस सेट है दो ढाई साल हो गए इन्होंने कहा था हर साल इस सरकार ने कहा था और ये सुन ले खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी हर साल 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी अभी तक बताओ भाई कितनी नौकरी दी कोई नौकरी नहीं दी इस सरकार ने। पहली बात 20 तो पेपर कैंसिल कर दिए अब सीटी कराएंगे 2 साल हो गए सीटी के नाम पर कुछ नहीं करवा रहे कोरोना के नाम पर धका रहे हैं आगे चला रहे हैं जब चुनाव हुआ तो कोरोना पता नहीं कहां चला जाता है जब बड़का है पेपर लेने हो है तो कोरोना आ जाता है फिर कोई पेपर हो है तो वो आउट हो है और आउट ना भी होता तो फिर क्यों है फिर उसका रिजल्ट नहीं देते फिर उसका इंटरवल जा सब कुछ और जम पड़ जम और फिर कोई लाग भी जा लिस्ट भी लाग जा वही कलर का गलागी तो भी हटा दे तो भी रद्द हो जाती है क्योंकि इनकी सारी भर्तियां में गड़बड़ घोटाले हैं और गड़बड़ घोटाले हैं तो इसमें कैंडिडेट का क्या कसूर है जो ये बाढ़ कई कई साल तक फार्म भर रहे हैं इनका क्या कसूर उसमें ये जो HSSC की दुकान है ये भाई साहब बच्चों को नौजवान साथियों को परेशान कर रही और कुछ नहीं कर रही। आर्मी में 5 लाख बालक आर्मी के हरियाणा के मैं अभी उस लड़के के पास गया था जो सुसाइड करी उसके परिवार के पास गई वो बोला 3 साल तक तैयारी करने लग रहा था लड़का 3 साल से लगातार लेकिन कोई भर्ती नहीं की जा रही कोरोना के नाम पर भर्ती नहीं की जा रही। कोरोना जब इनकी रैली हो तो किज्जा है नेताओं की मीटिंग हो है रैली हो किज्जा है तो भाई साहब कोई भर्ती पूरी नहीं हो कोई प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा। अब है कि ये जो हरियाणा पुलिस वाले कैंडिडेट है जानते सुनियो 50,000 हैं करीब 10,000 लड़कियां 40,000 लड़के जिनका टेस्ट हो चुका जिनका फिजिकल हो चुका सब कुछ हो चुका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी लिस्ट नहीं लगा रहे फिर कोर्ट में फंसा दी भर्ती। हरियाणा पुलिस के अंदर 25,000 वैकेंसी खाली है करीब 7,000 वैकेंसी के रिजल्ट रोके खड़े हैं 7,000 का
25,000 वैकेंसी खाली है भाई साहब। आप लोग देखते हो पूरे हरियाणा में रोज अखबारों में क्राइम, नशा, कितने गोली, कितने चक्कू। तो जो पुलिस वाले हैं दे दो वीआईपी ड्यूटी में लगे रहे हैं, जनता की ड्यूटी पर कोई नहीं है। वैकेंसी सरकार भर नहीं रही है तो हम सरकार को ये कह रहे हैं, सुन ले मुख्यमंत्री जी, बेरोजगारों की बगावत का सामना करने तैयार हो जाइए। बहुत दिन हो गए हैं, बालक दुखी हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान, आर्थिक रूप से परेशान। हर बालक कोचिंग लेने लग रहा है, 5-10,000 रुपये हर महीने के बालक के लगा है, कोई पीजी ले कर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है। या तो सरकार ये बोल दे हमारे बस की बात नहीं है भर्ती वर्ती करना, अपनी रेडी लगा लो, जिसने जोड़ सी रेडी लगानी है, पकौड़े गिलानी है वो भी ला लेंगे। लेकिन सरकार ये तो कह दे अगर भाई हमारे बस की बात नहीं है, और जितने भी बेरोजगार है सुन लो, जितना ने सुना यह बात, 7 तारीख न, और जितने हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं 7 तारीख को रोहतक में बीजेपी दफ्तर का घेराव, जो राज्य कार्यालय है, जित आज मुख्यमंत्री अपना केक कटने लग रहा है, शर्म नहीं आती उसने केक काट दिया ना, अपना तो केक कटने लग रहा है, जन्मदिन है बढ़िया है, हम भी जन्मदिन मना लेंगे तेरा, भर्ती कर देना है। भर्ती नहीं कर रहे भाई साहब, पूरे हरियाणा के अंदर जो नशे की समस्या है बेरोजगारी की वजह से, जब कोई बालक लग के मर जाए धरती पर, अकागले भी जन्म में फौजी बनूंगा, किसी सरकार ने किसी सिस्टम में शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन बेशरम है, एक नंबर के गंदे आदमी है या एक नंबर की गंदी सरकार है भाई साहब। 7 तारीख को शनिवार ने, परसों 7 तारीख है, बेरोजगार सारे उड़े इकट्ठे होंगे, हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट है वे इकट्ठे होंगे, जो सुनता हो सारे आ जाइयो भाई। और मैंने इनको बेरोजगार ही बात नहीं है, उनके माँ बाप, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफी, मामा, चाचा, जो भी हो सारे आइयो, नहीं तो यार सरकार भर्ती नहीं करेगी। 2024 के चुनाव में लेकर जाएगी, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी भर्ती अटकी खड़ी है ना, जितनी वैकेंसी अटकी खड़ी है, जितने पेपर खड़े हैं अटक के, सारे 2024 लोकसभा के चुनाव से पहले प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर तुमसे वोट लेंगे, अगर वोट दो फिर भर्ती लाओगे, फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर ये कहेंगे फिर वैकेंसी निकाल लेंगे, कभी और निकाल लेंगे, फिर ये नहीं कहेंगे पहले वोट दो और फिर चुनाव खत्म हो जाएगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे भाई, सीधी बात सुन ले खट्टर साहब, होने नहीं देंगे, नाक में दम कर देंगे, नींद आराम करेंगे तेरी, ध्यान तक देख लिए। 7 तारीख ने इकट्ठे होंगे सारे, चलोगे ना रे सारे, सारे चलेंगे, सारे बालक दुखी हो रहे, मैं एक बार तोर को हूं, कोई मानसिक परेशान तक दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी ने सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, मर के जिंदगी नहीं लड़ी जाएगी, मर के जंग नहीं लड़ी जाएगी, इस सरकार को मार के, और जब जंग लड़ेंगे भाई साहब जब अपना हाथ लेंगे, क्योंकि जितने आप, जैसे मैं आपको बताऊं, आज आ रहा है शिक्षा मंत्री, टैबलेट बांटने वाले, हम 5 लाख बड़का ने टैबलेट देंगे, अरे 50,000 मास्टर की वैकेंसी खाली है तो पूर्ण टैबलेट चलाना सिखाओगा उन्हें, 50,000 मास्टर की वैकेंसी खाली है उन्हें भरते ना, टैबलेट सिखाने वाला भी तो चाहिए, चलाने वाला भी तो चाहिए, कोई नहीं है चलाने वाला, अपना वोट बनाने का ही भया, अच्छी बात है, तुम दो टैबलेट उन्हें सिखाने चलाने वे भी तो चाहिए, अब टैबलेट पर पढ़े जाएंगे बालक, मास्टर की जरूरत नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये जितने डिग्री कर रहे हैं ना, जितने मास्टर है, सोच लियो सबका रोजगार खत्म है, क्योंकि टैबलेट दे देंगे वो ऑनलाइन चल लगा, एक मास्टर सारे पढ़ा दे रहा है सब कह। तो मैं ये कह रहा हूं, 10वीं फैल शिक्षा मंत्री, सरपंच ये 10वीं पास, अरे जब एक बात बताओ, शिक्षा मंत्री 10वीं फैल बन सके है, सरपंच 10वीं पास की क्या जरूरत है उसने, मास्टर का जो सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, गुरुजन हो मास्टर, तो उनके ऊपर अनपढ़ आदमी बैठा रखे, भर्ती करता नहीं, वैकेंसी खाली पड़ी है, कोई सा भी डिपार्टमेंट अनिल विज साहब है ऊ बना रहा गब्बर सिंह, गब्बर, अरे गोबर सिंह हो रहा है, क्या का गब्बर सिंह है, गोबर सिंह हो रहा है, ये बालक 100 बालक गए, 100 बालक अनिल विज के पास गए, अख जी बारह रिजल्ट, रिजल्ट दवा दो हरियाणा पुलिस का,
20 सेकंड का टाइम नहीं दिया, 20 सेकंड नोला मेरे बस की कौन है? अरे जब तेरे बस की नहीं है तो रिजाइन दे दे। जब तू अपने डिपार्टमेंट में भर्ती तक नहीं करवा सकता तो फिर क्या फायदा भाई अनिल विज साहब? हम तो नहीं मानना थे यार, गब्बर सिंह नाम है, गब्बर सिंह नाम है, अपने नाम को गब्बर सिंह, हम तो गब्बर सिंह कह देंगे, ये हरियाणा पुलिस वाला ना भर्ती कर दो भाई, इनका रिजल्ट काट दो। अरे अगर जब भर्ती नहीं कर पाता है तो मैं गब्बर सिंह को गोबर सिंह कहूंगा और सबको कहूंगा इसको गोबर सिंह कहना शुरू करो, कोई फायदा नहीं है फिर इनको गब्बर सिंह गोबर सिंह कहने का। ये स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है, हरियाणा पुलिस में जितनी वैकेंसी खाली है उनको पूरी भर, ताकि कानून व्यवस्था ठीक हो सके, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे 100 पुलिस वाले जानकार हैं, वे क्या कहे हैं, अक्सर आप तक होना के करें, हम बताओ के करें, इनने ताकि जाकर उड़े सिक्योरिटी करें, अगर भाई लोग ही करें, तो ये स्थिति है भाई साहब। तो इसको लेके 7 तारीख को जितने भी बेरोजगार साथी हैं, जितने नौजवान साथी हैं, और उनके बापू भी, उनके माँ भी, उनके चाचा ताऊ यार दोस्त जो भी हो सके, जो जीत जन्मदिन मनाने लग रहा ना कट्टर साहब के काटने लग रहा है, उड़े आवेंगे, जीत के काटे है ना उड़े आवेंगे हमें 7 तारीख में। और कोई सवाल जवाब हो तो बता दो भाई। सर कालू में एक लड़के पवन ने उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही वजह बताई जा रही बेरोजगारी। मैं अभी वहीं से आया हूँ, वो जो लड़का पवन है मैं उसके परिवार से मिलकर आया हूँ, मगा जी के मामला था उस लड़के के, एक ये था कि मना आर्मी में लागना, वो टॉपर लड़का था, टॉपर 4.5 मिनट में रेस क्लियर करेगा था 1600 मीटर की, ये 10 मिनट में करके दिखा दो ना कोई से नेता। अरे एक जवान बालक इतना हताश हो गया, मैं बताऊं आपने इतने हताश हो रहे हैं बालक, कल मेरे द्वारा वीडियो आई थी, कई लड़कियों की वीडियो आई थी इस हरियाणा पुलिस वाले की भी, वे इतनी परेशान हो रही थी, मैं तेन कहूँ पर सुसाइड मना करियो या सरकार मारना चाहवे सारे ने, अकमर कहने मिट जाते ठीक से, इस सरकार ने मारेंगे तो बेरोजगार हताश होने की जरूरत है नहीं, लड़ाई लड़ा गया यार सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है? 5 लाख दिन बढ़ते हैं सर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की कही थी, तो क्या मंशा हो सकती है? दुष्यंत चौटाला साहब ने एक बात कही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मैंने सुनी थी वह वीडियो, बोला थोड़ा इंतजार कर लेता हरियाणा पुलिस का, ये करने लग रहे इंतजार, ये सारे इंतजार करने लग रहे, वो ताकत रहेगा रिजल्ट। दुष्यंत चौटाला में अगर दम है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और उसकी चाल है, तो बता कुछ दिन रिजल्ट आओगे हरियाणा पुलिस का, बता दे आपके माध्यम से पूछूं मैं, दुष्यंत चौटाला से पूछो, कोई ना पूछता इनने किससे ने, मैं बताऊं आपने किससे की नहीं चालती, हमने नहीं बेरा, हमने बेरा कि एक मुख्यमंत्री की तो चालती है, सब नु कहे वो देखेगा भाई वो मुछे वाला, वो देख हम जिस तरह पूछे वो देखा बोला मुछे वाला यू की मुछ असली एक प्लास्टिक है, हमने नहीं बेरा भाई। अरे तो भाई साहब जब किसी ने रोजगार मिल जाएगा, अपने पालक पालेगा, अपने आराम से शांति तरह रहेगा, कि मैं खरीदेगा फिल्म देख का होगा और कुछ कर का होगा, पैसा मिल लगा उल्टा देगा, जब पता है ये तो सही को ना किसे दौरे दवा किस्त है, तो जब नहीं है तो फिर वे क्या करेंगे, लूट मार करेंगे और क्या करेंगे। अरे डकैती हुई थी ना 20 लाख की, कितनी हुई थी, कोई कुड़ बालक थे बताओ, रपिये सहनी किसे दौरे है, तो वे भी ओके करेंगे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा भाई चलो लूटो चीज दो रहे उसने लूटो, उन तभी मैंने कोई लूट मार करने वाला, तभी चोरी डकैती जो करो कर लो भाई, सरकार तो रोकते नहीं, तब मारे कहे तो रोको नहीं, लेकिन किसा है गोली मत मारो, आदमी ने मार के पैसा मत लो, उसका कोई फायदा नहीं। परिचय तो मेरा नाम नवीन जैन है, इतना परिचय बहुत है यार, और की परिचय ने की करा, बेरोजगार हूं मैं भी, अरे जी ये मुसल, इसका लॉजिक ये है,
ये जो मुसल है आ किया तो मारा आख दे दो अरना फिर ये मुसल ले लो यो ठोका है गेरे का हमता है इसका लॉजिक है यो खिलाड़ी आ कोटा खत्म करा था ना आपको पता हुआ तो ये सोटा ही लेकर आता भाई साहब वो कोटा वापस ध्यान होगा ना तो मैं इजहार तो जब आ नहीं पाया था लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा अरे भाई यो सोटा ही लाओ नौकरी नाकरी सब कुछ यो सोटा ही लाओ तो आगे यही सोटा लेकर के चलने वाला यो ये ले मैं तो यो ही रख आ रहा हूं आपन और क्या की जरूरत है को ना सोटा यो तो बतेरा है योटा है कि किसे तो अच्छी बात करो सरकार को हम ये इसलिए कह रहे हैं सोटा इसलिए दिखा रहे हैं अग भाई आते है बेरोजगार आने रोजगार देने का इंतजाम ना सोटे तो ही तैयारी करो भी सोटे वो बर्छा भी है अन्याय के खिलाफ बर्छा है दिखा दो रहे सारे हथियार आओगे तो जेड़ी भी आओगी तलवार भी आओगी सब कुछ आओगे भाई सब लोग यो रहा फरसा या बामणा की जमीन कब्जा कर रखी है सरकार ने उसने छुड़वाओगे एसआर में भी दोगे बामणे उनने कह दो या बीजेपी जमीन दाब रही है सरकार है बता दियो उनने 22 तारीख ने न्योता हर सारे का उस जमीन पे परशुराम जयंती मनागी उस जमीन पर परशुराम का मंदिर बनाएगा जी सरकार तो रोक क्या जावे वो रोक के देख लिया और बताओ भाई साहब सारी आओगे जेड़ी जाली लठ लाट सब कुछ आओगे थोड़े थोड़े देखते जाओ आप चलो एक अलग से प्रश्न पूछता हूँ बेरोजगारी के हाँ हाँ पूछो जैसे कि जगह जगह जो मकान है वो किराए जा रहे हैं अवैध कब्जों के नाम पर सर उसको क्या अवैध कब्जे पहले तो ये करवाए हैं सारे अफसर रुपये खाए हैं फिर उन्हें भेजा कि जाओ स्टाफ ने कहे हैं फिर जाओ इन घेरे हो फिर जो रुपये दे दे उसकी टाड़ो जाए जो रुपये ना देता उसके घर में घेर दे यो है चुनाव का क्या है सर अब लोकसभा का लड़ेंगे आने वाले कौन है लड़ेंगे। मेरा कुछ को ना मेरा बोले नाथ ने बेरा मन ने बिना बेरा।